वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द मेटल एंड द नॉन मेटल। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि कोई मेटल जो है किसी भी दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट कैसे करता है। तो दूसरे मटेरियल की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो वाटर के साथ स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करेगा, सबसे पहले मेटल की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि नॉन मेटल जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा सबसे पहले मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो देखिए मेटल और वाटर दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में हमने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए एरो का साइन है। अब एरो के बाद जो आगे आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस जो है वो बनता है। ठीक है, तो देखिए मेटल, कुछ मेटल्स के हम एग्जांपल लेंगे। देखिए सभी मेटल्स तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन कुछ एक मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे के एग्जांपल की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सोडियम के बारे में। तो सोडियम एक ऐसी मेटल है जो वाटर के साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो आग पकड़ जाता है। सो सोडियम रिएक्ट विद द वाटर टू कैच इज फायर। मतलब मेटल का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा अगर पानी के अंदर डालेंगे तो वो आग पकड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी मेटल का नेम है सोडियम। तो हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जो है वो रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और देखिए प्रोडक्ट में क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने एग्जांपल लिया किसका, सोडियम का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में वहां पर क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो साथ में हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होगी। यार ये बात समझ में। तो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब दूसरी बात समझिएगा, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो ये प्रोडक्ट बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेचर जो है वो बेसिक होता है। ठीक है, दैट इज द बेसिक नेचर। इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। देखिए दो चीजें होती है, या तो एसिड या बेस। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे चेक करेंगे, जैसे कि अगर इसे हम लिटमस पेपर जो है अगर इसके अंदर डिप करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर, तो लिटमस पेपर का कलर ये जो है रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर हुआ बेसिक। तो मतलब इससे हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सोडियम जो है मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके इस तरह का प्रोडक्ट बना रही है। ठीक है, इसको अगर आप सिंबलिक फॉर्म में लिख रहे हैं, सिंबल्स में आप इसे डिनोट करना चाहें तो आप इसे सिंबल में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सोडियम का सिंबल होता है Na, Na इज द सिंबल ऑफ द सोडियम। ठीक है, रिएक्ट विद वाटर, वाटर का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना जरूरी है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, तो NaOH यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हाइड्रोजन को हम H2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका हायर क्लास में आएगा, तो एटलीस्ट आपको ये लर्न करना जरूरी है। अगर आपको साथ में ये भी लर्न हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में वाटर बनाता है, ये इसका एग्जांपल हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर किसी और एग्जांपल की बात करें तो इसी की तरह सोडियम की तरह एक दूसरी मेटल भी है, वो है पोटेशियम। ठीक है, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो यहां सेम वही कंडीशन रहेंगी। ठीक है, कंडीशन क्या रहेंगी, यहां पर सोडियम मेटल था उसे वाटर में डाला, तो यहां पर हमने पोटेशियम ले लिया। तो सोडियम पोटेशियम दोनों भाई हम ये समझ सकते हैं, पोटेशियम जो है वो सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ ये भी रिएक्ट करेगा, इट विल ऑल्सो कैचेस फायर। ठीक है, इसे वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पोटेशियम का सिंबल स्टूडेंट सब बच्चे याद रख सकते हैं, पोटेशियम का सिंबल होता है कैपिटल K। ठीक है, वाटर का फॉर्मूला सेम रहेगा H2O, प्रोडक्ट जो है वो ऐसी बनाएगा जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हमने क्या लिखा था NaOH। ठीक है, सोडियम के लिए हमने लिखा Na, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। तो इस तरह से पोटेशियम के लिए क्या लिखोगे K और हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिख देंगे OH, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का OH हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस के लिए वहां पर H2 लिखा था, तो यहाँ भी H2 हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शंस बैलेंसिंग नहीं है इनकी। ठीक है, ये आपको हायर क्लास में आपको समझाएंगे कि बैलेंसिंग कैसे होती है। तो कम से कम एटलीस्ट आपको ये एग्जांपल, दो एग्जांपल जरूर याद रखना
कि सोडियम पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करेगा, तो याद रखिएगा सभी बच्चे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, आग क्यों पकड़ते हैं, आग पकड़ने का रीजन ही यही है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो वहां से रिलीज होती है वो एक कंबस्टेबल गैस होती है। आ रही बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरह से सोडियम और पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, एज वेल एज ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वाटर वेपर से उनके साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही खतरनाक मेटल है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, तो इसीलिए इसको खुले एटमॉस्फेयर में हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो खुले एटमॉस्फेयर में तो ये रिएक्ट कर लेगा, तो इसीलिए इसे हम केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं, तो उसके अंदर रखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सोडियम पोटेशियम मेटल्स को कहां पर रखा जाता है, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे इट विल बी स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो इसे हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, वाटर में नहीं रख सकते, वाटर में ब्लास्ट कर देगा। अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है वाटर के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं नॉन मेटल्स जो होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, उसकी रिएक्टिविटी हम समझेंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं नॉन मेटल्स के, जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़े हैं नॉन मेटल, दो एग्जांपल की बात करेंगे, एक तो सल्फर, ठीक है, और दूसरा है फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स जो सल्फर है उसका सिंबल होता है S, ठीक है, कैपिटल S, फास्फोरस का सिंबल होता है P। तो फ्रेंड्स फास्फोरस सल्फर दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अब ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सल्फर मैं आपको बता दूं, सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो सल्फर जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है। तो इसी तरह जो अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि खुले एटमॉस्फेयर में जो है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है या अदर गैसेज है उसके साथ जो है वो रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए फास्फोरस जो है इट विल बी कैचेस फायर इन द एटमॉस्फेयर विच इज प्रेजेंट इन द एयर इन द एटमॉस्फेयर, उसे रिएक्ट कर लेगा। तो उससे हम प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस को हम अंडर वाटर पानी के अंदर रखते हैं। ठीक है, पानी के अंदर रखेंगे फास्फोरस को ताकि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, और ध्यान दें इस वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम वाटर को बॉइल कर देते तो गैसेज जो उसमें से निकल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम रिएक्टिविटी समझ सकते हैं कि फास्फोरस को कैसे बचाएंगे। ठीक है, फास्फोरस को मतलब जो उसकी रिएक्शंस जो है एयर्स के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसे वाटर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको बता दूं सोडियम पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जिनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, ताकि वो बाहर जो है वाटर के साथ रिएक्ट ना करें, लेकिन नॉन मेटल जो है वो जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें जो है वाटर के अंदर रखते हैं, वो बाहर के एटमॉस्फेयर से ज्यादा रिएक्ट करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको कंसेप्ट आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इन सब चीज़ों को रिमाइंड कीजिए।